नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर MHO। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दो दिन से लगातार बारिश होने के कारण कई जगहों पे मलबा सड़कों पर गिरा हुआ है, कई घरों के अंदर पानी तक आ गया है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं यहां पर लेकर आया हूं MHO पर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं। ये देखिए, ये MHO से बाजार की ओर आने का ये रास्ता है, लेकिन मैं आपको सामने दिखा दूं कि ये पूरी तरह से मलबा नीचे आ चुका है। ऊपर जो मकान बना हुआ है, उस मकान को भी खतरा बना हुआ है। ये देखिए, मकान के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ के जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं समनीक वसीम जी, वो मौके पर पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल अरोड़ा भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर ये बताता चलूँ कि लगातार बारिश होने के कारण ये शहर के अंदर बीचों बीच ये शहर के अंदर ये मकान बना हुआ है। और ये MHO की मैं बात करूं, यहाँ पे जो चुंगी बनी है उसके बिल्कुल अपोजिट सामने ये पूरा मकान है ये, और आहिस्ता आहिस्ता मलबा गिर रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, ये देखिए एक साइड से पत्थर आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं ऊपर से। मैं फिर ये बताता चलूं आपको कि इधर सोचो इधर पानी का, मैं फिर ये बताता चलूं आपको कि पानी भूते पानी आई है। मैं फिर आपको बता दूं कि ये मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मकान को बचाने के लिए यहाँ पे तरपाल दिया गया। ये देखो पस्सी अभी भी गिर रही है बोर्ड के पीछे। मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड के पीछे देखिए, ये ऊपर से पूरी तरह से ये पत्थर गिर रहे हैं और ये पूरी तरह से अगर मैं बात करूं तो लगातार दो दिन से ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये मलबा पूरी का पूरा नीचे, और ऊपर मकान बना हुआ है। ये मकान को खाली करवाया गया है, मकान को पूरी तरह से खाली करवाया गया है कि घर के अंदर कोई नहीं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जिस तरह से ये बारिश लगी हुई है, कभी भी ये पूरा मलबा नीचे आ सकता है। ये एक साइड से मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये सामने यहाँ पर ये मलबा गिर रहा है। ये आगे की अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पूरा मलबा गिर चुका है, लेकिन मकान को भी ये खतरा बना हुआ है। मकान भी कभी भी ये मकान गिर सकता है, ये मकान को और बचाने के लिए यहाँ पे ये प्लास्टिक का जो तरपाल रहता है वो पूरी तरह से इस पर दिया गया है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर समनीक वसीम जो कि वार्ड नंबर तीन के पार्षद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। वो भी मौके, लोग भी वहाँ पर देखिए, लोग भी यहाँ पर जमा हुए हैं, कहीं ना कहीं देखिए खतरा तो बना हुआ है। समनीक जी, आपका विराचल में स्वागत है। क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये दो दिन से लगातार बारिश हो रही है और मकानों को खतरा बना हुआ, वार्ड नंबर 3 के अंदर ये मकान है, मलबा पूरी तरह से नीचे आ चुका है, क्या कहेंगे कि आप प्रशासन को सूचित किया गया है? सुबह में यहाँ पर मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हो रहा है। मैं उसी वक्त यहाँ पर पहुँच गया और मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया। ADC साहब यहाँ पे आए, उन्होंने मौका देखा, और SHO साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी मौका देखा। और उसके बाद मैंने अपने वार्ड की पूरी टीम, जो मेरे लोग हैं वार्ड के, उनको बुलाया और ये तरपाल फिलहाल हमने इमीडिएटली तरपाल डाला है कि थोड़ा जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं फिर से अपील करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ पे कोई इंजीनियर आए जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके कि इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे मोहल्ले के लोग हैं। मैं कहीं ना कहीं ये बात करूँ कि दो दिन से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन क्या मानते हैं कि तरपाल से ये मलबा रुकेगा, क्योंकि मकान बिल्कुल ऊपर है और ये कभी भी गिर सकता है? देखिए, इस तरह से मलबा नीचे आ रहा है, घर के लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया है, लेकिन मकान अभी जो इमीडिएटली हम कर सकते थे, तरपाल डाल सकते थे ताकि पानी जो है वो मिट्टी के ऊपर ना गिरे, बाहर आ जाए। अभी हमने दो तरपाल डाले हैं, एक तरपाल और मंगवाया कि ये जितना पानी है सड़क पे आ जाए,
कम से कम जो मिट्टी है उसके ऊपर पानी ना गिरे, और लैंडस्लाइड को जितना ज़्यादा जो हमें समझ लग रहा है हम अपने हिसाब से रोक रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से भी कोई आए जो हमें प्रॉपर तरीके से गाइड करे, क्योंकि वार्ड नंबर 3 के यंग टीम पूरी यहाँ पे है, जिस तरीके से कोई हमें समझाएगा कि इस तरीके से हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, हम पूरी जो हमारी वॉलंटियर हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। आपके बाढ़ की बात करूँ तो यहाँ से लेकर ऊपर तक मकान बने हुए हैं और बिल्कुल ये MH चौक से ऊपर है, ये और मकानों की भी इसी तरह से कोई खतरा बना हुआ है? बस यही फिलहाल इसी मकान को खतरा है, और इसका टेंडर भी हो चुका है, कल टेंडर की लास्ट डेट थी और आज टेंडर ओपन हो सकता है। मैं आपके माध्यम से DC उधमपुर को भी अपील करूंगा कि इसका टेंडर जो है आज खुलवाया जाए और इमीडिएटली जल्द से जल्द इसका काम जो है वो शुरू करवाया जाए। अडिशनल DC जसरोटिया साहब यहां पे आए थे, उन्होंने मौका देखा है, उन्होंने आके यहां पे एक पटवारी भी यहां पर हाँ अडिशनल DC साहब जो आए थे उन्होंने यहां पे पटवारी को डिप्यूट किया है, तहसीलदार यहां पे है नहीं, वो उनकी आज कोर्ट हेयरिंग थी कठुआ में जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ये थे वार्ड नंबर 3 के पार्षद संदीप जी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण और काफ़ी जगहों पे इसी तरह से मलबा सड़क पर गिरा हुआ, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ रहा है, लेकिन लोगों से बार बार अपील यही की जाती है कि लोग जो भी जिन्हें भी ये लग रहा है कि उनके मकान को खतरा, वो अपना मकान खुद ही खाली कर दें, बाहर आ जाएं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये मैं आपको फिर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने ये जो तरपाल दिया गया है कि मकान को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि पस्सी चल रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये पत्थर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ के जो अडिशनल डीसी हैं जोगिंदर सिंह जसरोटिया, वो मौके पर आए हुए थे, उधमपुर SHO वो यहाँ पर मौके पर आए हुए थे, उनकी ओर से यहाँ पर एक पटवारी को लगाया गया, पटवारी यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन जो वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं उनकी ओर से ये तरपाल यहाँ पर दिया गया और एक तरपाल रोल देने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर और भी कई अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर यही बताऊंगा आपको कि इस मकान को खतरा बना हुआ है, इस मकान को खतरा बना हुआ है, ये ऊपर से ये बिल्कुल ऊपर मकान है ये। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मकान को फिर दोबारा से दिखाया जाए, ये फिर ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए इस मकान की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए मकान बिल्कुल ऊपर है ये, और 3 मंजिल ये मकान बना हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करूं अगर बारिश और रहती है तो इस मकान को और भी खतरा हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर नायब तहसीलदार श्याम सिंह जी यहाँ पर पहुँचे, उनके साथ गंदौर भी यहाँ पर उनके साथ आए हुए हैं। भाई जी हेलो, उम्मीद लिया उस पर दिखे बुलाओ नहीं। मैं फिर आपको बता दूं कि मेरे सामने यहाँ पर नायब तहसीलदार श्याम सिंह जी हैं, उनके साथ गरदौर जी भी उनके साथ आए हुए हैं, पटवारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो मैं फिर आपको ये बता दूं कि मकान को खतरा बना हुआ है, और यहाँ पर हर एक अधिकारी और प्रशासन की बात करें तो पहले अडिशनल DC यहाँ पर आए हुए थे, उनके द्वारा भी ये देखा गया है, SHO उधमपुर यहाँ पर आए हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर नायब तहसीलदार श्याम सिंह जी पहुँचे, उनकी टीम यहाँ पर आई हुई है और इन्हें इस मकान को देखा जा रहा है कि किस तरह से इस मकान को बचाया जाए। लेकिन जिस तरह से ये बारिश चल रही है, 2 दिन से लगातार ये बारिश हो रही है और कई जगहों पर इसी तरह से मलबा सड़कों पर आया हुआ है, मकानों को खतरा बना हुआ है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ चुका है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जिनके मकान अगर किसी पहाड़ी पुढ़ी पर हैं या ऊंचाई पर हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें मकान का खतरा हो सकता है तो अपने मकान को खाली कर दें और खुद बाहर आ जाएं। और मैं फिर यही कहूंगा कि यहां पे जो अधिकारी मौके पर आ रहे हैं, उनकी ओर से यहां का राउंड किया जा रहा है और यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से इस मकान को बचाया। ये देखिए अभी भी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिरे, ये तरपाल यहाँ पर लाया गया है, ये देखिए ये तरपाल यहाँ पर लाया गया है, इस तरपाल को दोबारा से एक बार फिर इस पर दिया जाएगा, लेकिन देखिए जिस तरह से बारिश हो रही है तो पानी तरपाल के साथ नहीं रुकेगा, लेकिन कोशिश इनकी ओर से यहाँ के जो पार्षद हैं
कोशिश इनकी ओर से पूरी की जा रही है कि मकान को बचाया जा सके। अरे अरे मकान को पूरी तरह, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर नायब तहसीलदार श्याम सिंह जी हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ। श्याम जी क्या कहेंगे कि जिस तरह से बारिश हो रही है, दो दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे, और मकान को, इस मकान को भी खतरा बना हुआ है, तो प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है सर? देखिए, प्रशासन की ओर से हमने इसको तरपाल वगैरह का पूरा अरेंजमेंट करके दिया है, थोड़ी स्लाइडिंग कम हो, और जो मकान है इसको खाली करवा दिया है, शिफ्ट करवा दिया है, वो मालक मकान के उस दूसरी जगह चले गए हैं, और जो पीछे वाला मकान है उसको भी खाली करवाया जा रहा है, साथ वाला, ताकि कोई दुर्घटना या कोई नुकसान वगैरह ना हो। देखिए, प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई नुकसान ना पहुंचे, मकान को पूरी तरह से खाली करवाया गया है, इसके साथ वाला जो मकान था उसे भी खाली करवाया गया है। कि देखिए, बारिश जिस तरह से चल रही है तो डर तो यही रहता है कि देखिए, ये कुदरत की ओर से ये सारा ये बारिश का चक्कर जो कुदरत की ओर से रहता है, इसे नहीं रोका जाता, लेकिन थोड़ा कोशिश ये की जाती है कि मकानों को थोड़ा बचाया जा सके, या लोग जो रहते हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। ये देखिए, दूसरा तरपाल भी इस पर दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो गरदौर पटवारी नायब तहसीलदार मौके पर पहुँचे हैं, और उनकी ओर से एक यही देखा जा रहा है कि मकान को कोई नुकसान ना पहुँचे, मकान को कोई नुकसान ना पहुँचे, ताकि घर को पूरी तरह से खाली करवाया गया। मैं फिर आपको बता दूँ कि घर को पूरी तरह से खाली करवाया गया है, लोगों को शिफ्ट किया गया है, और जो इसके साथ वाला मकान है उसे भी खाली करवाया गया है। देखिए, तरपाल तो दूसरा भी दिया जा रहा है कि ताकि मकान को थोड़ा बहुत बचाया जाए, मकान को। ये 3 मंजिल मकान बना हुआ है, ये इसकी एंट्री जो है वो आदर्श कॉलोनी से है। ये मैं फिर आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 3 पड़ता है, ये वार्ड नंबर 3 है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो घरों में रहते हैं, घर उनके घरों को खाली करवाया जाए, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं, प्रशासन का यही रहता है कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, मकानों को खाली करवाया गया, अधिकारियों को यहाँ पे लगाया गया, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उधमपुर एडिशनल DC जोगिंदर सिंह जसरोटिया वो मौके पर आए हुए थे, पुलिस मौके पर आई हुई थी, और यहाँ पर अभी भी नायब तहसीलदार श्याम सिंह, उनके साथ गरदौर पटवारी, वे सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कि ताकि लोगों को भी बताया जा रहा है कि लोग इस रास्ते से कम गुजरें। ये दूसरा तरपाल इस पर दिया जा रहा है, ताकि मलबे को रोका जाए, मलबा जो ऊपर से आ रहा है वो उसे रोका जाए, ज़मीन मकान के साथ जो ज़मीन लगती है उसे पानी ना लगे, पानी नहीं लगेगा तो मकान भी बचाया जा सकता है, अगर पानी लगेगा उसे तो फिर ये गिर सकता है। 3 मंजिल मकान है, मैं फिर आपको दिखा दूँ, 3 मंजिल यह मकान बना हुआ है, मकान छोटा है ये, लेकिन छोटा मकान है तो इससे ज़्यादा डर है इसका गिरने का, कि कहीं ये गिर ना जाए और किसी को नुकसान ना पहुँचे। मैं फिर आपको बता दूँ कि पूरी कोशिश की जा रही है, वार्ड नंबर 3 के जो पार्षद हैं समनीक वसीम, वो सुबह से यहाँ पर थे, प्रशासन को फ़ोन किए गए, प्रशासन मौके पर पहुंचा, प्रशासन द्वारा अब यही किया जा रहा है कि इस मकान को बचाया जाए, ताकि कोई नुकसान ना पहुंचे। बाउंड्री वाल इसे नहीं दी गई है, इस एरिए पे पीछे पूरा कंप्लीट किया गया है, टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया गया था, क्योंकि बरसात शुरू हो गई, इसके चलते अगर बरसात रुकती है तो उसके बाद इसका काम लगवाया जाएगा, ताकि मकानों को बचाया जाएगा, ज़मीन को बचाया जाए, क्योंकि एक बिज़ी रोड रहता है, ये सिटी को एंट्री करता है, MH चौक से ये बाज़ार को एंट्री करता है, गाड़ियाँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती हैं, लोग पैदल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इसी के चलते इन्हें ये रोका जा रहा है, बचाया जा रहा है, कि लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं फिर आपको बता दूँ कि ये MH चौक का एरिया है, ये मैं फिर आपको बता दूं कि MH चौक का ये एरिया है ये, और ये बाज़ार को यहाँ से एंट्री होती है सिटी को, लेकिन यहाँ पर जो 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इससे के चलते कई जगहों पर इसी तरह से मलबा गिरा हुआ है, हटाया भी जा रहा है, लेकिन लोगों से यही अपील की जा रही है कि जिनके घरों में अगर कोई दरार आ रही है, जो पानी आ रहा है, या ऊंचाई पर है जो मकान, वो अपना मकान खाली कर दें, क्यों